ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी ज़ोमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून FEMA के उल्लंघन की जांच करते हुए कंपनी की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जी हां, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेडमी और MI जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड बनाने वाली चीनी कंपनी ज़ोमी की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। निदेशालय कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून FEMA के उल्लंघन से जुड़े आरोपी की जांच की जा रही है। ईडी ने ज़ोमी इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए मूल्य के एसेट जब्त किए गए हैं। कंपनी के ये पैसे कई अलग अलग बैंकों में जमा थे। कंपनी पर FEMA के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ज़ोमी इंडिया ने 2014 में भारत में काम करना शुरू किया। ये चीन की प्रमुख मोबाइल कंपनी ज़ोमी के पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी हो गई है। ज़ोमी इंडिया ने 2015 से अपने पैरेंट कंपनी को पैसे भेजना शुरू किया। कंपनी ने विदेशी कंपनियों को कुल 5,551.27 करोड़ रुपए भेजे। ईडी का कहना है कि ज़ोमी इंडिया ने इतनी बड़ी राशि रॉयल्टी चुकाने की आड़ में भेजी। इसमें एक विदेशी कंपनी ज़ोमी समूह की है, जबकि दो अन्य कंपनियां अमेरिका की, लेकिन इनका भी अंतिम लाभ ज़ोमी की कंपनियों को ही मिला। समूह की भारतीय इकाई ने चीनी पैरेंट कंपनी के कहने पर यह राशि इन कंपनियों को ट्रांसफर की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPO।